लोग आज जा रहे हैं जलंधर से दिल्ली। तो जलंधर से दिल्ली जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये मेरे सहपाठी हैं मेरे साथ। शताब्दी की जो सीट्स हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और मतलब इस ट्रेन में मैं देख रहा हूँ थोड़ा नीटनेस का ध्यान दिया गया है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेन के अंदर वो जुबान के इसलिए होता है, इस चीज़ का थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया गया है। रेस्ट ऑफ जो है सीट्स हैं वो आपको दिखाते रहेंगे एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये सीट्स कुछ इस तरीके की दिख रही हैं। ये खाना चाय डिलीवर कर रहे हैं आई गेस। देखते हैं क्या होता है इसमें। मित्रों खाने के लिए जो खाना है नून टी और इवन से इवनिंग टी, तो ये आ चुका है। इसमें एक भुजिया है, ये पतीसा सर बहुत से सर स्वास सर, इसमें समोसा है छोटा सा, ये तो थोड़ा काटा ही गया है। चलो लेट्स सी व्हाट में क्या है। वेर का दूध इसको सूखा खाना चाहिए, बढ़िया लगता है। मैजिक मिक्स है, ये भी ठीक है, बढ़िया है। ये चाय सामग्री, इसमें टी बैग्स होते हैं, तो ये सब आपको मिलता है अगर आप चेयर कार में जाते हो तो शताब्दी चेयर कार। चाय बनाने के लिए ऐसे कैटल दिए हुए हैं जिनके अंदर गर्म पानी है, तो ये चाय सामग्री को खोल के हम लोग इसके अंदर। कि जब भी आप चाय बना रहे हो ठीक है तो पानी इसमें हाफ रखो ठीक है कप के अंदर, बिकॉज जब फुल पानी भर लेते हो तो वो चाय का टेस्ट नहीं रहता। तो मेक श्योर हाफ कप में चाय बनाओ तो थोड़ी अच्छी बनती है। तो अभी मैं भी चाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपन करना है इसको। और ऐसे करके आपने हाफ कप भर लेना है ठीक है। ये चाय सामग्री में से ये पहले डालने की बजाय आप दूध पहले डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं 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 गलत बोल रहे भाई आप। पहले चाय पत्ती डालो क्योंकि चाय पत्ती के बैग के अंदर दूध का जो है ना वो फंस जाएगा, फिर फायदा नहीं। पहले चाय पत्ती इसको हमने थोड़ा सा गरम दूध के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। उसके साथ शुगर है तो हम लोग शुगर ऐड करेंगे। शुगर को भी बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लें, उसके बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे टी बैग। तो ये हमारी चाय तैयार है ऑलमोस्ट। इसको हम लोग ऐसे 2 मिनट रखेंगे, 2 मिनट रखने के बाद हमारी चाय पूरी तैयार हो जाएगी। गाइस ट्रेन का सफ़र इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब हम लोग इतनी स्पीड से चल रहे हैं और मेरी जो चाय है वो बिल्कुल हिल नहीं रही, काफ़ी कंफर्टेबल जो सफ़र है ट्रेन। सीट्स भी काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं अभी, मतलब सीट्स अभी अपग्रेड हो गई है शताब्दी एक्सप्रेस की। पापड़ी केक जो है बड़ा ही टेस्टी है।
बहुत मस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो डिनर टाइम हो गया है अभी 8 बजे, ये लोग डिनर जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो डिनर में देखते हैं क्या है। दो ऑप्शंस होती हैं, नॉन वेज की और वेज की, तो वो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे अपनी बुकिंग के टाइम पे वो आपको देंगे। तो ये नॉन वेज के अंदर अपने प्रोवाइड होता है, दाल है एक, साथ में चिकन है और राइस है, दो रोटीज़ हैं और दही है। तो इस तरीके से दिख रहा है हमारा डिनर, खा के बताता हूँ कैसा है। खाना हम लोगों ने खा लिया है। जसप्रीत जी बताइए कैसा लगा आपको खाना। बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अच्छा था। नॉन वेज में ये बोनलेस चिकन देते हैं, बढ़िया लगा, टेस्ट वाइज भी ठीक है और मतलब पेट भर के खाया जा सकता है इजीली। अभी आइसक्रीम आएगी, ओवरऑल अच्छा है। और अभी आइसक्रीम आएगी क्या? आएगी सच्ची? आएगी आएगी, आइसक्रीम आएगी, फिर बताता हूँ कैसी। वेट ओवर हो चुकी है, हम लोग इतनी शिद्दत से जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, आइसक्रीम आ चुकी है। ये भाई साहब मुझे पूरे भगवान लग रहे हैं आइसक्रीम लेके आते हुए साक्षात। ये देखो लवा निकाह डेरी का वनीला फ्लेवर है, काफ़ी लेट कर दिया भाई। सो मदर डैडी की वनीला आइसक्रीम का टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी इस टाइम पे, तो मस्त लग रहा है। तो भाई बस करो ना, चट ला बिच्चू चट ला। बैग तो ठीक है भाई, वधिया लग रहा है। ये गल है ना, बिल्कुल भी आवाज नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा चलता कि नहीं चलता। सो हम लोग पहुंच गए हैं होटल एंड ये भाई छोड़ के जा रहे हैं अपने को। हरदेश भाई खान साहब कैसे हो? बढ़िया। और क्या हाल चाल है?